हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल हैकर निखिल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की पहेली लाए हूँ। यहाँ पर मेरे पास माचिस है और एक कॉइन है, तो माचिस की तीलियों से बहुत कमाल की दोस्तों एक पजल से यानी पहेलियाँ बन सकती है, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक आखिर तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे और नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उस बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली ये है कि यहाँ पर मैंने चार माचिस की तीलियाँ ले ली है। अब आपको इनमें से एक माचिस की तीली हिलानी है, मतलब एक माचिस की तीली मूव करनी है और यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना है। तो आइए आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों यहाँ पर आपका समय खत्म हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको इनमें से एक माचिस की तीली मूव करनी है और यहाँ पर आपको एक स्क्वायर बनाना है, तो आप वो कैसे करेंगे तो आपको मैं अभी वो बताने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे से यहाँ पर एक माचिस की तीली मूव करेंगे और एक स्क्वायर बनाएं। वो कैसे, यहाँ पर आप देखिए, मैं अब क्या करूँगा, एक माचिस की तीली यहाँ से लूँगा और उसे यहाँ पर ऐसे रख दूंगा। तो देखा आपने, बन गया ना एक स्क्वायर। दोस्तों ये 4 बन गया यहाँ पर और ये 2 का स्क्वायर ही है। मैंने आपको बोला था कि आपको एक स्क्वायर बनाना है, ना कि किसी बॉक्स का स्क्वायर बनाना है। तो जब तो ये ऐसे काम करता है। तो आइए हमारी अगली पहेली की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल बनाए हैं। अब आपको सेम पहली चीज यहाँ पर करनी है। आपको एक माचिस की तीली मूव करनी है और यहाँ पर आपको 4 ट्रायंगल बनाने हैं। आपको सिर्फ एक ही माचिस की तीली यहाँ से हिलानी है। तो आइए अब कैसे, तो अब देखते हैं। आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मैं समय देता हूँ, सोचिए। तो दोस्तों आपको आंसर मिल गया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको भी आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं अब एक माचिस की तीली यहाँ से मूव करूँगा और यहाँ पर 4 ट्रायंगल बना दूंगा। देखा आपने दोस्तों, यहाँ पर एक 4 बन गया है और एक ट्रायंगल, यानी 4 ट्रायंगल बन गया है दोस्तों। है ना मजेदार पहेली। चलिए अब हमारी नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ग्लास की शेप में माचिस की तीलियों को अरेंज किया है और उसमें मैंने एक कॉइन रखा हुआ है। अब आपको 2 माचिस की तीलियाँ मूव करनी है और ग्लास का शेप नहीं बदलना चाहिए और कॉइन जो है वो ग्लास से बाहर हो जाना चाहिए। तो आपके लिए समय शुरू होता है अब। सोच लिया आपने आंसर दोस्तों। तो आइए, अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी कंडीशन ये थी कि जैसे ही मैं इन्हें मूव करूँगा तो ग्लास की शेप बनी रहनी चाहिए और कॉइन उसमें ही रहना चाहिए। तो वो दो माचिस की तीलियाँ कौन सी है, तो ये पहली वाली ये है और दूसरी वाली माचिस की तीली मैं यहाँ पे ले लूँगा। देखा आपने दोस्तों, ग्लास की शेप वैसी के वैसी रही और कॉइन उसमें से बाहर आ गया है। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये। तो आइए हमारी अगली पहेली की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैंने कुछ शेप बनाया है। तो आपको करना ये है कि आपको इनमें से 2 माचिस की तीलियाँ मूव करनी है और 3 ट्रायंगल बनाने हैं। 2 माचिस की तीलियाँ मूव करनी है और 3 ट्रायंगल बनाने हैं। तो कैसे, आपका समय शुरू होता है अब। सोच लिया दोस्तों आपने, अगर आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई ऐसी 2 माचिस की तीलियाँ उठाएंगे और उन्हें ऐसे अरेंज करेंगे कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनने चाहिए। तो वो पहली माचिस की तीली है ये, मैंने इस माचिस की तीलियों को यहाँ पर रख दिया है और दूसरी माचिस की तीली हमारी होगी ये वाली, जो हम इसे यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे। देखा दोस्तों यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन गए हैं। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बन गया है, उसके अंदर ये छोटा वाला और ये तीसरा छोटा वाला, यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन गए हैं। तो हमारी लास्ट वाली पहेली ये है कि यहाँ पर मैंने ये जो शेप बनाया है, आपको कोई भी 3 माचिस की तीली यहाँ से मूव करनी है और आपको 3 स्क्वायर बनाने हैं। तो दोस्तों सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। आपको 3 माचिस की तीली मूव करनी है और 3 स्क्वायर बनाने हैं, तो वो कौन सी होगी। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना होगा, हमें पहली वाली माचिस की तीली मूव करनी होगी। हमें पहली वाली माचिस की तीली ये, आप सोचिए कौन सी करेंगे। तो मैं पहली वाली माचिस की तीली ये लूँगा। हमने ये पहली मूव यहाँ पे कर दी, दूसरी यहाँ पे कर दी और ये तीसरी माचिस की तीली यहाँ पर मूव कर दी। दोस्तों देखा ना आपने कैसे 3 स्क्वायर बन गए हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।